यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, पत्थरबाजी से लेकर मारपीट तक जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं को लेकर जहां विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव योगी सरकार से ज्यादा अखिलेश यादव पर नाराज दिखे और उन पर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने ट्वीट किया कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे न हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीच सड़क पर चीरहरण और आप आराम से बैठे हो, जेल से निकलता हूँ, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। बता दें, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में हुई हिंसा के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी बीच लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक की साड़ी फाड़ दी गई। ये घटना तब हुई जब वह नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही थी। इसी घटना का जिक्र पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में किया है। न्यूज़ डेस्क।